नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इन्फो। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बात करने वाले हैं कि चुनाव में मतदान करने न करें ये गलती। तो खबर को आगे बढ़ाने से पहले रेड कलर के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को दबा दे ताकि हर खबर मिले आपको सबसे पहले। जमशेदपुर में निर्वाचन विभाग ने मतदान के बाद कोई भी मतदान पदाधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय बिना पीठासीन पदाधिकारी की अनुमति के बिना विरमित नहीं होने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि सभी मतदान सामग्री जमा होने के बाद पीठासीन पदाधिकारी के आदेश पर ही सभी मतदान कर्मी विरमित होंगे। पीठासीन पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना करने वाले मतदान पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। यह आदेश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अमित कुमार ने दिया है। पीठासीन पदाधिकारियों की ट्रेनिंग में उपायुक्त ने उनके कर्तव्य और जिम्मेदारियों पर प्रकाश डाला। कहा कि चुनाव प्रक्रिया के सफल संपादन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी पीठासीन पदाधिकारी जिम्मेदारी से कर्तव्यों को निर्वहन करेंगे। निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि आपस में समन्वय स्थापित कर सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराएं। उपायुक्त ने कहा कि सभी मतदान कर्मी मतदाताओं के साथ उत्तम आचरण बनाए रखेंगे और मतदान की गोपनीयता भी सुनिश्चित करेंगे। मतदान समाप्ति के बाद उसी दिन मतदान कर्मी वापस रिसीविंग सेंटर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। सभी मतदान पदाधिकारी मतदान समाप्ति के बाद अपने पीठासीन पदाधिकारी के साथ रिसीविंग सेंटर में मतदान सामग्री जमा करने आएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिल सके। मिलेंगे फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम।